बट द क्वेश्चन इज यहाँ ऐसा क्यों था? वजह हमारी फैकल्टी नहीं थी, वजह यूनिवर्सिटी नहीं थी, वजह थी कि हमने उस बात को सही तरीके से नहीं समझा था। तो इस बार फिर उस बातों को, क्योंकि मैं उस तरीके के लोगों से आया था, तो मैंने किसी एक्सपर्ट के साथ एक सलाह मशवरा किया, वो एक्सरसाइज शुरू की, प्रिज्यूमिंग कि यहाँ की फैकल्टी को बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, बट आई फाउंड समथिंग मिसिंग। तो मैं खुद किसी एक्सपर्ट से मिलके आया, आके मैंने IQAC की टीम के साथ सलाह मशवरा किया, उनको अपनी जो भी बातें मैं सीख के आया था उन बातों को मैंने उनके साथ साझा किया, और उनको IQAC की जो टीम थी उसमें प्रोफेसर पंकज शर्मा हैं, कपिल चौधरी हैं और डॉक्टर राजकुमार हैं, ये तीनों लोग, और इन्होंने दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ के पिछले 3 महीने से, मेरा ख्याल है कि दिन रात ही कहूँगा मैं ये कर रहे हैं, बहुत सारा उसमें काम करना पड़ता है, बहुत सारी मीटिंग हुई, उन मीटिंग में मुझे भी एसोसिएट किया गया। जैसे कि एक थी कि नॉर्मली टीचर रिस्पोंड नहीं करते अपने कुलीग की बातों को, क्योंकि हमारा अलग अलग डोमेन होता है, हम सोचते हैं फिजिकल एजुकेशन वाले इनको कुछ नहीं आता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को आता, ये सोचते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले अहम ही बातें करते रहते हैं, तो इस तरीके की अप्रोच जर्नली रहती है। तो ख़ासतौर पर जो ये टीचर थे कॉन्ट्रेक्चुअल, और वो ये भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं हमारे, तो वो भी एसोसिएट नहीं हो रहे थे, तो IQAC टीम ने मुझे सजेस्ट किया कि एक मीटिंग बुला लेते हैं और सभी को कहते हैं कि जो उनके रिसर्च पेपर हैं वो उनको सबमिट करें विद इन ए डे और टू, क्योंकि टाइम जो था हमें 31st तक अप्लाई करना था, और हम 30th को ही सबमिट कर पाए। बुलाए, वो बुला के बातें की, थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट किया, जिसको भी आप कहते हैं, तो 2 दिन में जहाँ 700 पेपर दिए थे वो 1500 हो गए, और अब फैकल्टी और जो भी यूनिवर्सिटी है ये सोचती है हमारा 1 ग्रेड दूर नहीं है। हालांकि मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कह पा रहा हूँ, नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि क्राइटेरिया क्या होगा और हम क्या होंगे, लेकिन फैकल्टी और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है दे आर वेरी हैप्पी कि, और वो इस बात के मेरा ख्याल है कि हर रोज़ कई बार लोग आ जाते हैं कहते जी अब तो ग्रेड मिल ही जाएगा। अगले 3 महीने में हम उस तरीके की ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ विजिट होगी और हमने जो भी रिक्वायर्ड IAQ और वो जो भी सबमिट कर दिया है उस पर ऑब्जेक्शन आते हैं, नॉर्मली वी डोंट एक्सपेक्ट कि किसी तरीके के ऑब्जेक्शन आएंगे, हमारी लगभग तैयारी है नैक की, और जब भी इंस्पेक्शन होगी जिस भी तरीके की होगी आप लोगों के सहयोग से, सहयोग आपका ही रहेगा, अगर आप हमारे अगेंस्ट लिखने लग जाए तो हम डिमोरलाइज हो जाएंगे, तो आप चाहे उस बात को, फिर मैं कहता हूँ हमारी रिपोर्टिंग जरूर हुई होगी, हमारे नेगेटिव रिपोर्टिंग कभी नहीं हुई, 1 साल में आप लोगों ने ये कुछ किया। अब अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 1 साल में 2022 में इस सारी यूनिवर्सिटी को फुली नेटवर्क कर देंगे, जो भी चीज़ें हैं अपग्रेडेशन है, लीज लाइन है, या उस तरीके के कंप्यूटराइजेशन हैं, एक UITDC डाटा सेंटर है जो एग्जामिनेशन की बहुत बार बात की है, उसके टेंडर हो गए हैं, आज ही अपलोड किए हैं, तो जनवरी में हमारे टेंडर आ जाएंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसमें शुरू हो जाएगी। एक हम स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाने जा रहे हैं, यह स्टूडेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, एक वो छोटी सी गोल्ड कैंटीन है वो कोने में है कहीं, एक उस साइड में खोखा टाइप ही है, तो स्टैंडर्ड नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी का, हम लगने भी तो अच्छे चाहिए, तो इसलिए जो टीचिंग ब्लॉक्स हैं हमारे, इनके बीच में जो खाली जगह बनी है उसमें एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, जहाँ उनकी ज़रूरत की छोटी छोटी ज़रूरत, पेन पेंसिल टाइप और उस तरीके की चीज़ें, प्लस जो रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, चाय कॉफ़ी फास्ट फूड जैसा भी टाइम होगा उस तरीके से, एक लगभग 2 करोड़ से ऊपर की वो मेरा ख्याल प्रोजेक्ट बता रहे थे, हमने उसका भी जो
इन प्रिंसिपल और वो एस्टिमेट, अभी एस्टिमेट आ गए हैं, उसको फाइनली उस सेफ में नहीं दिया, उसके भी टेंडर हम इसमें करेंगे। एक हमारे पास जगह तो है, जिस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं उसके लिए तो है, और जिसके लिए ज़रूरत है वो नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास जगह नहीं है तो वो छोटा घर होता तो उसी में समाने की कोशिश करते हैं, बड़ा हो जाएगा तो एक टीचिंग ब्लॉक, ख़ास तौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए एक अलग से उसी जगह पर जो खाली पड़ी है, ताकि एक कंपाउंड जो है इसमें हो, तो वो चीज़ हम करना चाह रहे हैं। हर्बल गार्डन सभी अप्रिशिएट करते हैं हमारा, उसके लिए पानी का थोड़ा प्रबंध करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ट्यूबवेल की बात शुरू कर दी है, इसी फाइनेंशियल ईयर में हम कर देंगे। और उसमें बॉटनिकल गार्डन जो पीछे जंगल सा पड़ा है उसको यूटिलाइज करके बॉटनी डिपार्टमेंट के साथ एक बॉटनिकल गार्डन भी होता है, तो वो भी डेवलप करेंगे। और हर्बल गार्डन में और हर्बल प्लांट जो हैं वो सस्ते से हैं, वो मेरा ख्याल 5-10 हज़ार रुपये का ज़्यादा नहीं है, बट यूँ है कि नंबर ऑफ हर्बल प्लांट क्या होंगे, उनकी जियो टैगिंग करेंगे। उसमें भी आजकल कहते हैं कि अगर उनके पास वो प्लेट लगाते हैं तो वो उनकी ग्रोथ को रोकता है, तो इसलिए उस तरीके की चीज़ें उसमें। एक नॉन टीचिंग ने कम्युनिटी सेंटर की डिमांड की है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हमारी प्लान है कि उस कम्युनिटी सेंटर को और एक प्राइमरी स्कूल। प्रॉब्लम हमारी ज़मीन है, हमारा वो केस है, तो 20 तारीख है उसकी, कोशिश कर रहे हैं हम अपने एडवोकेट जनरल जी के माध्यम से, महाजन साहब उसमें खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो लेट्स सी। तो अगर आपकी भी कोई मदद उसमें हो सके कि हमारी ज़मीन हमें मिल जाए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो उस सेंस में हम उन चीज़ों को करना चाह रहे हैं। दूसरा कि हमारे पास कुछ पोस्ट आई हैं, अभी इसी महीने में एडवर्टीजमेंट हम करेंगे, जिन डिपार्टमेंट्स में रेगुलर टीचर नहीं हैं उनमें हम रेगुलर टीचर जो है वो लगा रहे हैं। बहुत जल्दी उस तरीके के सिस्टम को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कि पर्पज है, अगले साल जो जुलाई में सेशन शुरू होगा, अब हमारे 3500 स्टूडेंट हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3000 to 5000 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, तो कोशिश ये होगी कि हम यहाँ कम से कम 5000 स्टूडेंट्स। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स को रिस्ट्रक्चर किया हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग में अगर हम कहें तो हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कि स्किल के साथ हम MBA के प्रोग्राम्स हैं उनको रिस्ट्रक्चर करने की बातें उनको कर रहे हैं। कई नए डिपार्टमेंट, नए कोर्सेज हैं, जैसे BSc फिजिकल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन, उसको BEd स्पेशल एजुकेशन की बात हम उसमें शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे काम हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। लगभग ये हमारे 11 तरीके के कोर्सेज हैं जो नहीं हैं, हम यूँ तो नहीं कह सकते कि उनको सभी को लाएंगे, क्योंकि ये हमने अभी प्रपोज किए हैं। यहाँ की ज़रूरत क्या है, मान लिया कि हम एडमिशन शुरू कर दें और हमारे पास स्टूडेंट ना आए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, और हम ऐसे कोर्स भी शुरू नहीं करना चाहते जिसका एम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं हो, क्योंकि बिना एम्प्लॉयबिलिटी के आप फीस रखेंगे, अगर उसकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी के पार्ट पे एक चीटिंग होगी। हम कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट, हम सिर्फ यहाँ पर हम पैसे लेते हैं, उस पैसे को वहीं पर यूटिलाइज करते हैं, उस तरीके की कोशिश इसमें ज़रूर रहेगी। और जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे BBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम BBA जर्नल कर देंगे, तो मतलब उस तरीके की चीज़ें हैं जो मार्केट में बिकता हो, जिसके बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट मिलती हो। हर कोर्स के साथ हम स्किल जोड़ें, हर कोर्स के साथ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सब तरीके का विकास बच्चे का होना चाहिए, उस मोटो के साथ, उस ऑब्जेक्टिव के साथ हम इस तरीके का काम करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है
कि जिस तरीके से हमारे लिए 2021 फ्रूटफुल रहा, उसी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है 2022 भी उतना ही फ्रूटफुल रहे।